दरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गठबंधन तोड़ने की मांग की है। तो जेडीयू ने गिरिराज सिंह पर छपास की बीमारी का आरोप लगाकर पलटवार किया और इन दोनों के बीच की लड़ाई का मजा विपक्ष उठा रहा है। देखा जाए तो जिस दिन से निगरानी चिट्ठी का खुलासा हुआ है, जेडीयू और बीजेपी की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। पटना से मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। पत्र पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही निर्गत हुआ है। पूरे कार्यकर्ता आहत। अति आवश्यक चिट्ठी पर जारी है सियासत। निगरानी पर गिरिराज का, गठबंधन पर सवाल। क्या जेडीयू और बीजेपी की यारी के दिन हो गए हैं पूरे? अति आवश्यक चिट्ठी का खुलासा क्या हुआ? जेडीयू और बीजेपी की यारी दरकने लगी है। दो दशक पुरानी दोस्ती में दरार आने लगी है। गठबंधन तोड़ने और अलग होने की मांग उठने लगी है। तो क्या जेडीयू और बीजेपी के दोस्ती के दिन लद गए हैं? आखिर आरएसएस के ऊपर ये क्यों खुफिया तंत्र को लगाया गया? इससे पूरे कार्यकर्ता आहत। छपास के रोगी हैं, उनसे भी पार्टी को सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की गई टिप्पणी शायद गिरिराज सिंह जी जैसे व्यक्तियों के लिए ही रिजर्व। जेडीयू ने गिरिराज सिंह पर छपास बीमारी का आरोप लगाकर जवाब तो दे दिया, लेकिन क्या गिरिराज सिंह ने ये बयान अपनी मर्जी से दिया होगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि गठबंधन तोड़ने जैसे वाली बात अगर वो कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उन्हें इशारा जरूर मिला होगा, तभी वो बोल रहे हैं। और इस बात का एहसास जेडीयू को भी है। हम लोग के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं और ये सब तय पार्टी नेतृत्व करता है ना। अभी तो हमारे लाइव पार्टनर है और मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कौन होते हैं कि रखें कि ना रखें? तो गिरिराज सिंह जी को जो भी बात करनी हो वो तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से तल्खी बढ़ी है, उस पर आरजेडी की भी नजर है। आरजेडी को लगने लगा है ज्यादा दिन नहीं है जब बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग होंगी। गिरिराज जी सिग्नल दे रहे हैं और वो सिग्नल सबको समझना चाहिए, नीतीश जी को खास करके। और एक बार अपनी राजनीति को आईने के सामने खड़े होकर के देखें, कभी संघ मुक्त, कभी संघ युक्त, कभी सांकेतिक हिस्सेदारी, कभी संकेत, तो बिहार इसमें करा रहा है। गिरिराज सिंह तो कब से जो है इनको अनादर करने का काम, कभी इज्जत देने का काम किया है क्या? हमेशा अपमानित करने का काम किया। मामूली मामूली जो है विधान परिषद सदस्य इन्हें जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। दरअसल 28 मई को अति आवश्यक चिट्ठी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया, गठबंधन तोड़ने की बात की, जिसे लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई। संबंधों में खटास बढ़ गई। तो क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती के दिन पूरे हो गए हैं? दिल्ली से आसिफ और स्वप्निल के साथ पटना से आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया। तो गिरिराज सिंह के इस